हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 4/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। ठीक है, तो नंबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखोगे, अभी जो DHS का एग्जाम्स जो होने वाला है या फिर अभी असम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है उसका एग्जाम जो होंगे, वहाँ भी इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 4/5 मीन्स हो गया दोस्तों 4/5। ठीक है, और फिर नंबर तो आपको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, नंबर को एक्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 4/5 यानी 4/5 ऑफ अ नंबर दैट मीन्स इंटू एक्स इज, अब इज दिया हुआ है तो इक्वल लेते हैं, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मीन्स क्या हो गया दोस्तों, बड़ा है। ठीक है, किससे, 3/4 यानी हो गया आपका 3/4 मीन्स हो गया 3/4 एक्स ऑफ अ नंबर यानी एक्स। ठीक है, बाई कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो बड़ा है मीन्स क्या हो गया, प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा यानी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना। अब यहाँ से हम लोग ईजी फाइंड कर सकते हैं, इसको इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ, बट आपको डायरेक्ट माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, इज इक्वल्स टू 4। अब देखोगे एलसीएम लोगे तो 5/4 का एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई ही कर देंगे यानी 20। ठीक है, अब ये 20 उस साइड लेकर जाओगे तो नीचे से क्या होगा, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई ही होगा, है ना, तो इनटू डायरेक्ट लिख देते हैं 20। क्लियर, अब देखोगे ये हो गया 4/4 या 16 और ये हो गया 5/3 या 15, ये बीच में माइनस है तो 16 से 15 गया यानी एक्स, सो एक्स इज इक्वल्स टू दोस्तों मिला आपको 4 × 20 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 20 × 4 करोगे तो क्या होगा, 80। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 80। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, अब ये रेशियो दे दिया हुआ है 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, अब यहाँ से आगे की तरफ बोल रहा है, 4 साल आगे की तरफ, द रेशियो क्या हो जा रहा है, विल बी 3:4। दो परसेंटेज ऑफ बी का आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे, इजी है, करना क्या है, यहाँ पे 5 और 7 है, आपको लेना है x में यानी 5x हो गया और ये हो गया दोस्तों 7x, नीचे लिख लेते हैं, ये रेशियो दिया हुआ है तो डिवाइड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ यानी आगे की तरफ 4 years, द रेशियो विल बी, तो प्लस करेंगे ना 4 आगे की तरफ यानी दोनों का एज क्या होगा, 4 साल आगे जाएंगे तो क्या होगा, दोनों का एज, क्योंकि समय तो सभी के साथ बराबर ही जाएगा, है ना, तो 5x + 4 एंड 7x + 4 दैट इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 3/4। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करेंगे, पहले जो x एज्यूम किए थे इस x का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखोगे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टेप वाइज नहीं करना है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 5/4 = 20x, 7/3 = 21। ठीक है, तो 20, अब एक तो इस साइड आएगा एक इस साइड जाएगा, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 21 से 20 को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, x, और आंसर जो होगा कांस्टेंट तो उस साइड होगा दूसरे साइड, तो कांस्टेंट देखते हैं क्या, यहाँ भी प्लस 4 है, यहाँ भी प्लस 4 है, यहाँ 3 और 4 है। ठीक है ना, तो अब करना क्या है, 4 से 4 को इंटू करोगे 16 होगा, 4 को 3 से इंटू करोगे 12 होगा, और 12 से 16 को माइनस कर देते हैं तो क्या बचा दोस्तों, 4 बचेगा, सो एक्स इज इक्वल्स टू 4 ये मिला। बट आपसे पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी कौन सा था, ये था ना 7, दैट मीन्स 7x, तो आंसर हो जाएगा 7 से 4 को इंटू कर दो, ये हो गया 7/4 = 20 years। ठीक है, बी का प्रेजेंट एज, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 cm एंड इट्स पेरीमीटर इज, दे दिया हुआ है दोस्तों 16 cm, लेंथ ऑफ इच ऑफ द इक्वल साइड, तो जो इक्वल साइड होंगे उसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं ये पता होना पड़ेगा, जिस ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल हो तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं इक्वल साइड, जिसको हम लोग x से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर, क्योंकि इसी का लेंथ आपसे पूछ रहा है इक्वल साइड, लेंथ ऑफ इच ऑफ द इक्वल साइड इज। ठीक है, अच्छे, उसके बाद जो थर्ड साइड जो है यहाँ दिया हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस, यानी ये बेस जो है 6 cm का। क्लियर,
एंड पेरीमीटर दे दिया हुआ दोस्तों 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पेरीमीटर होता क्या है, जो इस ट्रेंगल का बाउंड्री है इसे ही हम लोग बोलते हैं। तो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 16। इस 6 को आप इस साइड लाओगे तो माइनस होगा, सो 16 माइनस 6 करोगे तो 10। सो 2x इज इक्वल्स टू क्या मिला दोस्तों, 10। 2 से कैंसिल करते हैं तो ये मिला आपका 5। तो दोस्तों x का वैल्यू आपको 5 मिला, तो ये जो है ये 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। और आपसे पूछा क्या लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड, तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां दिया हुआ है कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, द मिडिल वन इज, तो मिडिल नंबर क्या होगा। तो दोस्तों अब कंसेक्यूटिव मींस लगातार, मान लेते हैं हमें नंबर नहीं पता, अगर हम ले लेते हैं इंटीजर x है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस वन, उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस 2। ये तीन हो गया, 1, 2 एंड देन 3, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड देन इन तीनों का सम कितना दे दिया हुआ है दोस्तों, इस तरह से सम दे दिया हुआ है 51, क्लियर, इज इक्वल्स टू 51। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो एक्स 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 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3, उस साइड लेकर जाओगे माइनस, सो 51 माइनस 3 करोगे तो आया दोस्तों 48। 3 से कैंसिल करते हैं 16 टाइम्स, 16 3 जा 48, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला इंटीजर आपका मिला 16, तो नेक्स्ट क्या होगा, 16 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 17, उसके बाद नेक्स्ट 18। तो आपसे पूछा क्या है कि मिडिल वन इज, तो मिडिल में कौन है दोस्तों, ये है ना 17। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 17, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर का सम दे दिया हुआ दोस्तों 95। कंडीशन बोल रहा है कि इफ वन एक्सिड्स द अदर बाय 15, ठीक है, एक जो है 15 क्या है, दूसरे से ज्यादा है। तो अगर हम x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तों, x प्लस 15 होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर हो गया, क्योंकि 15 क्या है, दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर से दूसरा 15 ज्यादा है, क्लियर हो गया, x प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे द सम ऑफ द टू नंबर, इन दोनों नंबर का सम दोस्तों दे दिया हुआ है 95, क्लियर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स एक्स टू एक्स, इस 15 को उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस होगा, सो 95 माइनस 15 करोगे तो ये कितना होगा, तो बोलोगे 80 होगा, ठीक है। 2 से कैंसिल करते हैं तो दोस्तों ये हो गया आपका 40, यानी नंबर मिला दोस्तों एक तो हो गया 40, दूसरा नंबर क्या होगा, 15 प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 40 प्लस 15 यानी 55, दोनों नंबर आ गया। अब देखोगे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, देन द स्मॉलर ऑफ द टू इज, यानी इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, यही है ना छोटा नंबर 40। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 40। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने लीनियर इक्वेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने करवाया, ऐसे क्वेश्चंस जो DHS का भी जो एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर असम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है उसके जो एग्जाम्स होंगे वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।